गणपतये नमः ओम 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 गणपतये नमः पहले अशुभ मल्लिका की प्रेमी इस अभागी किशन को समाप्त कर दो, फिर उस मल्लिका को समाप्त करने में आसानी रहेगी। जा दुष्ट, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? तू ठहर जाओ। अनर्थ तो अब होगा। ना मेरे बच्चे, ना मेरे बेटे। हे श्री गणेश, क्या हो गया? अरे वो दुष्ट लोग मेरे बेटे की ऐसी दुर्दशा कर गए और आप देखते रह गए, देखते रह गए। किशन को ठीक कर दीजिए गणपति महाराज, भले ही आप हमारे बैल ले लीजिए। वो सुहागी माई का सहारा है, उनके बुढ़ापे की लाठी है। ना मेरा बच्चा, ना मेरा बेटा, मेरा बच्चा, उन पे दया कीजिए। हे मंगल मूर्ति, उन पे दया कीजिए। यदि किशन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु, किशन को ठीक कर दीजिए। दया कीजिए प्रभु। यदि किशन ठीक ना हुआ तो ये संसार आपकी भक्ति पर विश्वास नहीं करेगा। प्रभु दया कीजिए प्रभु। ठीक कर दीजिए, दया कीजिए प्रभु, हे मंगल मूर्ति उन पे दया कीजिए। ओम गणपतये नमः, 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 ओम गणपतये नमः। तुम्हारी सौगंध पर विश्वास कर लेना अनुचित था। हमारे सावधान करने पर भी तुम नींद से अचेत होकर अपना कर्तव्य भूल बैठे। अब हमारे सेवक बने रहने का अधिकार तुमने खो दिया है। हमने तुम्हें मल्लिका, सुहागी और किशन की सहायता का आदेश दिया था, परंतु तुमने उसका पालन नहीं किया। अब कभी हमें अपना मुंह न दिखाना। मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा निधान श्री गणेश। मैं अभी उन तीनों की सहायता के लिए पहुंचता हूं। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। ना बेटा, ना बेटा, क्या करूं? श्री गणेश, आपके होते हुए मेरे बेटे की इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? कैसे चल पाएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा मेरा बेटा? कैसे जिएगा? जाना तो हो गया भाई, अब रहने से कुछ नहीं होगा। आप तो सर्वशक्तिमान हैं श्री गणेश। अपनी इच्छा मात्र से असंभव को संभव कर देते हैं प्रभु। किशन पर दया कीजिए प्रभु, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। हमारे एक कारण सेनापति ने इन्हें विकलांग कर डाला प्रभु। इन्हें फिर पहले जैसा बना दीजिए प्रभु। हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए, हमारी भक्ति की लाज रख लीजिए। मंगल मूर्ति का रोष उचित है, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। मैंने अचेत होकर भयानक भूल की है। यदि मैं इसकी सहायता के लिए उपस्थित होता तो किशन कभी विकलांग ना होता। मैं क्या करूं? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम आपकी लीला को समझ नहीं पा रहे हैं मंगल मूर्ति। आप तो प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु। तो क्या आप हमारी सच्ची प्रार्थना सुनकर भी आप सुनना नहीं चाहते? किशन पर दया कीजिए प्रभु, किशन पर दया कीजिए मंगल मूर्ति। ये मेरी भूल नहीं, भयानक पाप है। यदि आपको दंड ही देना है श्री गणेश तो मुझे दंड दीजिए। मेरे पैरों को काट दे, परंतु इस युवक को स्वस्थ कर दे। राजकुमारी मल्लिका की प्रार्थना सुन ले श्री गणेश, ये आपकी सच्ची भक्ति है। दया करे दया निधान, कृपा करे कृपा निधान। हे श्री गणेश, ये मेरे किन पापों का दंड दे रहे हैं आप मुझे? ये मेरे पाप हैं, इनका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। मैं अपनी वर्धनी शक्ति से किशन के कटे हुए पाँव को जोड़ दूंगा। जय जय श्री गणेश। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप दोनों? महाराज, राजकुमारी मल्लिका ने। राजकुमारी मत कहो उस अशुभ कन्या को, वो राजकुमारी नहीं हमारी घोर शत्रु है। आप सच कह रहे हैं महाराज। सुहागी की कुटिया पर पहुंचकर हमने मल्लिका को बंदी बनाने का प्रयास किया, परंतु उनके सैनिकों ने हम पर पीछे से वार किया महाराज और हमें मार डालने का प्रयास किया। महाराज, ये जानकर आप प्रसन्न होंगे कि मल्लिका को बहकाने वाला किशन को हमने मौत के घाट उतार दिया। मल्लिका क्या अभी भी सुहागी की कुटिया में है? नहीं महाराज, वो हमले की आड़ में वो हमारी दृष्टि से भागने में सफल रही। परंतु आप चिंता ना करें महाराज, वो अशुभ मल्लिका सुहागी की कुटिया में अवश्य लौट कर आएगी और हम उसे बंदी बना लेंगे। महाराज, महामंत्री जी का अनुमान सच था, वो वहां रहकर प्रजा को आपके विरुद्ध भड़का रही है। हाँ हाँ महाराज, उसी के कारण प्रजाजन ये मानने लगे हैं कि आप मल्लिका के विरुद्ध अन्याय कर रहे हैं। तब तो उसे बंदी बनाकर दंडित करना और भी आवश्यक हो गया है। क्षमा करें महाराज, परंतु बंदी बनाकर दंडित करने से समस्या का हल नहीं होगा। प्रजा आपके विरुद्ध है, प्रजा को संतुष्ट करने के लिए हमें कोई और उपाय सोचना होगा महाराज। उपाय? कैसा उपाय? भीतर आइए। किस उपाय की बात कर रहे थे आप? महाराज, प्रजा के आक्रोश को देखते हुए हमें कूटनीति से काम लेना होगा। अर्थात? अर्थात प्रजा को संतुष्ट करने के लिए आप मल्लिका का विवाह किसी योग्य राजपुरुष से करवा दीजिए। उससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा महाराज, बहुत कुछ। पुत्री के प्रति पितृ स्नेह देखकर प्रजा संतुष्ट हो जाएगी और मल्लिका सदा सदा के लिए आपसे दूर भी हो जाएगी महाराज। हम आपकी बात से सहमत हैं महामंत्री रुद्रदत्त। मल्लिका जन्म से ही हमारे दुखों का कारण बनी हुई है। पिता का कर्तव्य निभाने के लिए हमें उसका विवाह करना ही होगा। परंतु ऐसा कौन सा राजपुरुष होगा जो इस अभागन कन्या से विवाह करेगा? उसकी चिंता आप ना करें महाराज, एक श्रेष्ठ राजकुल का राजकुमार हमारी दृष्टि में है। वो भी पुरुष मल्लिका के लिए सर्वथा योग्य है। यदि आप आज्ञा दें तो हम उसे विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। कौन है वो श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठ राजकुमार? महाराज, आप मल्लिका के विवाह का निश्चय कर ले तो हम उन्हें बुलाकर आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे महाराज। महामंत्री, ये काम जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है। हमने निश्चय कर लिया है कि मल्लिका को अपने से दूर करने के लिए हम उसका विवाह अवश्य करेंगे, परंतु उससे पहले उसका पता लगाकर उसे अपने अधीन करना चाहेंगे। हम उसका पता लगाकर रहेंगे महाराज। उसके दुष्ट सैनिकों ने पीठ पीछे वार करके वीरता को कलंकित किया है। उन्हें दंडित करने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। महाराज, इस समय अपने दलबल के साथ आप सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करें। मल्लिका आपको अवश्य वहीं मिलेगी। क्या कहा? मेरी प्रिय पुत्री सुहागी के गांव में है? महाराज, मैं भी उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। मुझे भी अपने साथ वहाँ ले चलिए। नहीं महारानी, आप हमारे साथ वहाँ। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। इस समय महारानी जी को अपने साथ ले जाना उचित होगा महाराज। कूटनीति ये कहती है कि जो काम कभी कभी अस्त्र शस्त्र शक्ति और क्रोध से नहीं बन पाते, वो कभी कभी ममता और प्रेम से बन जाते हैं महाराज। इसीलिए महाराज, आप महारानी जी को अवश्य ले जाएं। महारानी, हम इसी समय सुहागी के गांव की ओर प्रस्थान करेंगे। पातालवासी असुर प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी असुर प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी वीर असुर प्रकट हो। लोभासुर, लोभासुर, पृथ्वीवासी लोभासुर, 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 पृथ्वीवासी लोभासुर। पृथ्वीवासी लोभासुर, ये कौन सा असुर है? इसका नाम तो मैंने पहले कभी सुना नहीं। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? ओम नमः शिवाय। पातालवासी वीर असुर प्रकट हो। लोभासुर, लोभासुर, पृथ्वीवासी लोभासुर, 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 पृथ्वीवासी लोभासुर। ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। नमः ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः। लो भासुर गं गणपतये नमः। तुम असुर हो और तुम्हें असुरों के आराध्य भगवान शिव शंकर की आराधना करनी चाहिए। असुरों का वध करते हैं उन श्री गणेश की नहीं। ओम गं गणपतये नमः। लोबासुर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। दैत्य जाति में जन्म लेने वाले हर असुर और दैत्य का गुरु। क्या तुम अपने गुरु को कलंकित और अपमानित करना चाहते हो? ओम गं गणपतये नमः। दुष्ट लोभासुर यदि अब भी तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं अपनी सिद्ध मंत्र शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें बलपूर्वक मेरे आश्रम पहुंचा दूंगा। ओम नमः शिवाय। लोभासुर मेरी आज्ञा के अधीन हो। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। लोबासुर मेरी आज्ञा के अधीन हो। ओम गं गणपतये नमः। ओम हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, क्या मेरी सिद्ध शक्तियां समाप्त हो गई हैं? ओम गं गणपतये। क्या मेरी जीवन भर की शिव आराधना और शिव भक्ति असफल हो गई है? ओम गं गणपतये नमः। जय जय श्री गणेश। दयासुर तुम यहाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या आप ये नहीं जानते कि किसी भी सच्चे भक्त पर किसी भी सिद्ध शक्ति का प्रभाव नहीं होता? भक्ति की शक्ति के सामने तंत्र मंत्र यंत्र के साथ ही सभी सिद्ध शक्तियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञानी ध्यानी होते हुए भी क्या आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि श्री गणेश श्री महागणेश के अवतार हैं? इस संसार में श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हम सब कुछ जानते हैं। जय जय श्री महागणेश। तब तो आप ये भी जानते होंगे दैत्य गुरु कि आपने श्री गणेश की आराधना करने वाले एक सच्चे भक्त की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया है, जो कि एक पाप है। इसके लिए आप श्री महागणेश के दंड के पात्र भी बन सकते हैं। दंड? भृगुपुत्र शुक्राचार्य को दंड? क्या तुम नहीं जानते दयासुर कि मैं भी भगवान शिव का भक्त हूँ और मेरे आराध्य भगवान शिव तुम्हारे महागणेश के अवतार गौरी पुत्र के पिता है। पिता का स्थान पुत्र से ऊंचा होता है। हर हर महादेव। तुम बुद्धिहीन और अज्ञानी हो दयासुर, इस सत्य को कभी नहीं समझोगे। दैत्य गुरु आप मेरे पूज्य हैं, आपके अपशब्द भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है, परंतु जय जय श्री गणेश। सत्य तो सत्य ही रहेगा दैत्य गुरु। यदि आपको इस सत्य पर विश्वास न हो तो आप स्वयं जाकर भगवान शिव से पूछ लें, आपकी हर दुविधा का अंत हो जाएगा। मैं इस लोबासुर को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तो आपको अपनी धुनी यहीं रमानी पड़ेगी दैत्य गुरु, क्योंकि ये लोबासुर तब तक श्री गणेश की आराधना को नहीं छोड़ेगा जब तक गौरी पुत्र श्री गणेश से अपना इच्छित वरदान प्राप्त नहीं कर लेगा। प्रणाम दैत्य गुरु। जय जय श्री मां गणेश। धन्य है आपकी कूटनीति महामंत्री जी, धन्य है। आपने महाराज और महारानी को इतने लंबे समय के लिए राजधानी से दूर कर दिया। सेनापति जी, हमें इस अवसर का लाभ उठाना है। अवश्य महामंत्री जी अवश्य। मैंने अपने सारे सैनिक सावधान कर दिए। विश्वास रखिए, सुहागी की गांव की ओर गए महाराज और महारानी लौटकर राजधानी नहीं आएंगे। राजकुमारी मलिका भी जीवित नहीं बचेगी। परंतु सेनापति जी, इस विशेष सैनिक टुकड़ी का नायक कौन है? नायक भी उन तक शीघ्र पहुंच जाएगा। सैनिक आज्ञा सेनापति जी। सेना प्रमुख अजय सिंह मावान की काली पहाड़ियों में गुप्तवास कर रहे हैं। उन तक हमारा ये संदेश शीघ्र पहुंचाओ। जो आज्ञा सेनापति जी। परंतु सैनिक प्रमुख अजय सिंह तो। महामंत्री जी, इस बार हमें सफल होना ही है। सेना प्रमुख अजय सिंह के पराक्रम को आप नहीं जानते। हमने उसे संदेश दिया है कि महाराज और महारानी को यमलोक पहुंचाकर ही वो हमें अपना मुंह दिखाए। वैसे सेनापति जी, आपने उस अशुभ अभागन कन्या के लिए किस राजपुरुष का नाम सोचा है? नाम बताने का अवसर ही नहीं आएगा महामंत्री जी। यदि आ भी गया तो एक ऐसे अभागे वृद्ध को राजपुरुष बनाकर खड़ा कर देंगे जिसमें ब्याह करने की हवस हो। ठीक ऐसा ही वृद्ध उसके लिए अच्छा रहेगा। आपकी ये दशा हमारे कारण हुई है किशन। यदि हम यहाँ न आते तो आप इस तरह संकटों का भार न टूटता। हम आपके अपराधी हैं किशन, हमें क्षमा कर दीजिए। इसमें आपका क्या दोष है राजकुमारी जी? दोष तो मेरे भाग्य का है, जब भाग्य साथ न दे तो विपत्ति के पहाड़ टूट कर गिरते हैं। और तो और सारे संसार की रक्षा करने वाले मेरे आराध्य श्री गणेश, उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की। अब तो मुझे सारा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। मुझे विश्वास था गणेश जी उन दुष्टों से हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु किशन को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जीवन भर के लिए मेरा बेटा अपाहिज हो गया। कब तक मैं इसकी सेवा के लिए जीवित रहूंगी? कैसे पेट भरेगा ये अपना? कौन विवाह करेगा इस अपाहिज से? यह राजकुमारी मल्लिका, इसे बंदी बना लो। राजद्रोह करने वाली दुष्ट मल्लिका, हमारे चरण स्पर्श करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महारानी, इस दुष्ट से दूर रहो। अब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा। हम इसे ऐसा कठोर दंड देंगे कि ये जीवन भर भूल नहीं पाएगी। सैनिकों, बंदी बना लो इस अभागन को। पिताश्री, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, और आज आप हम पे राजद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। पिताश्री, हमारा आरोप झूठा नहीं, सच्चा है। नहीं पिताश्री, ये तो उन दोनों दुष्ट सेनापति और महामंत्री का षड्यंत्र है जो हमें और आपको समाप्त करके इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। जरा सोचिए पिताश्री, यदि हमें राजद्रोही करना होता तो हम आपके विरुद्ध सेना एकत्र करके उन दोनों दुष्टों को समाप्त कर सकते थे और स्वयं को युवरागी घोषित कर सकते थे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए पिताश्री, वो दोनों हमारे सच्चे हित चिंतक हैं। उन पर हमें पूरा विश्वास है। राजमहल से भागकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है मल्लिका कि तुम हमारी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने पर तुली हो, और इस दासी के घर में रहकर तुम प्रजा को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। महाराज, अब भी संभल जाइए। सेनापति और महामंत्री आपको मारकर राजा बन जाना चाहते हैं। दुष्ट, तूने ही मेरी बेटी को बहकाया है। मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। पिताश्री, नहीं। एक निर्दोष विकलांग पर तलवार उठाना कहाँ की वीरता है पिताश्री? अपराध तो हमने किया है ना आपकी दृष्टि में, और हम तो जन्म से ही आपके लिए अशुभ हैं। तो आप हमें क्यों नहीं समाप्त कर देते? आपकी राज प्रतिष्ठा बच जाएगी पिताश्री। अपनी राज प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें सदा सदा के लिए अपने से दूर करने का निश्चय किया है, जिससे तुम्हारी अशुभ छाया भी हमारे राज्य में न रहे। सेनापति जी ने तुम्हारे लिए एक राजपुरुष का चुनाव भी कर लिया है मल्लिका। ये भी उन दोनों दुष्टों का षड्यंत्र है पिताश्री। वे विवाह के बहाने हमें भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि आपकी रक्षा करने वाला कोई न रहे। परंतु हम इस षड्यंत्र में कदापि नहीं फंसेंगे। जब तक वे दोनों वहां पर हैं, हम राजमहल नहीं जाएंगे। यह हमारा निर्णय है। लेकिन पुत्री, राजमहल का त्याग करके तुम जाओगी कहाँ? श्री गणेश की इच्छा से गति पाने वाला यह संसार बहुत विशाल है माताश्री। कहीं भी चले जाएंगे हम, परंतु उस अपमान और उपेक्षा भरे वातावरण में कदापि नहीं लौटेंगे, जहां सांस लेना भी असंभव है। दर दर की ठोकरें खाएगी तू। कोई भी पुरुष तुझसे प्यार नहीं करेगा। तेरा जीवन सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। नहीं पिताश्री, हमारे जीवन की नैया का आधार हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, और श्री गणेश के भक्त सदा ही यशस्वी होते हैं। हाँ, जहां तक प्रश्न विवाह का है, तो हम किशन से विवाह करेंगे पिताश्री। ये तो क्या कह रही है पुत्री? हम सत्य कह रहे हैं माताश्री। हमारे कारण किशन विकलांग हुए हैं। इनका जीवन अभिशापित हो गया है माताश्री, और इस शाप का तो हमें ही प्रायश्चित करना होगा ना माताश्री। हाँ, यदि किशन दासी के रूप में हमें स्वीकार कर ले तो। राजकुमारी जी, भावनाओं में बहकर आप एक ऐसा निर्णय कर रही है जिसके लिए भविष्य में आपको पछताना भी पड़ सकता है। मैं आपके योग्य नहीं। मुझे अपनाकर आप स्वयं को दुखों के दलदल में ना धकेलें। आप अपने निर्णय पर एक बार फिर से। नहीं स्वामी, आपकी और माई की सहमति से यह निर्णय लिया जा चुका है। अब इस निर्णय पे पुनः विचार करने की संभावना ही नहीं है स्वामी। हम आपको मन, वचन और कर्म से अपना पति स्वीकार कर चुके हैं। हाँ, अगर आप हमें ठुकराना चाहे तो। ऐसा ना कहें राजकुमारी जी, ऐसा ना कहें। राजकुमारी नहीं, केवल मल्लिका, आपकी मल्लिका, ये गौरी नंदन। हम जानते हैं आप जो भी करते हैं अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करते हैं। हम आपको साक्षी मानकर किशन को अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए गौरी नंदन। आपने इन दोनों के संबंधों को अपनी स्वीकृति दे दी है। मेरे इन दोनों बच्चों पर ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु, ऐसे ही अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। आशीर्वाद दीजिए। तुझे मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? तुझ पर तो तेरे आराध्य श्री गणेश की कृपा का आशीर्वाद है। परंतु इतना सुन ले, इस विकलांग से विवाह करने के पश्चात भी तुझे मेरा राज्य छोड़ना होगा, तुझे मेरा राज्य छोड़ना ही होगा। चलो महारानी। महाराज पति की सेवा में ही पत्नी का स्वर्ग होता है। इन्हें हर प्रकार से संतुष्ट रखना। बेटा किशन, इस संसार में मुझ जैसी अभागी और कोई माँ नहीं होगी। ऐसा न कहे महारानी जी, ऐसा न कहे। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। इन पर श्री गणेश की असीम कृपा है। सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, मैं इतनी बेहोश हूं कि तुम्हारा कन्यादान भी नहीं कर सकती। अपनी माँ की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गणपतये नमः। गौरी पुत्र ने तो स्वयं कहा था कि लोभासुर को श्री गणेश भक्ति के लिए प्रेरित करो। अब जब इसकी तपस्या चरम सीमा तक पहुंच गई है तो गौरी पुत्र से वरदान क्यों नहीं देते? तुम अपना कर्तव्य भूल सकते हो दयासुर, किंतु हम नहीं। हम लोबासुर को वरदान अवश्य देंगे। प्रभु, प्रभु कहाँ हैं आप? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते? हे प्रभु, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, मुझे दर्शन दे। नहीं दयासुर, मेरे दर्शन करने का अधिकार तुमने खो दिया है। नहीं मंगल मूर्ति, ऐसा ना कहे, ऐसा ना कहे। इस दीनहीन दयासुर का कोई दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है। दीनहीन तुम नहीं दयासुर, तुम्हारी मूर्खता और आसुरी वृत्ति के कारण हमारा भक्त किशन बन गया है। जिस समय तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, उस समय तुम अचेत पड़े सोते रहे। तुम्हारे ही कारण वह अपने एक पैर से वंचित हो गया। हे मंगल मूर्ति, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। मुझे अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है। ये भूल नहीं दयासुर, पाप है, पाप। मेरे नाम की सौगंध लेकर भी तुम अपनी नींद को वश में न कर सके, अपना कर्तव्य भूल बैठे। आप कभी हमसे आज्ञा की उपेक्षा न करना, कभी हमारे पास आने का दुस्साहस न करना। नहीं मंगल मूर्ति, हे गौरी पुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे श्री गणेश।